हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बड़े भाई बहनों को, चौपस छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हमारे सुबह के काम की शुरुआत हो गई है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं पनीर, जो कि हमने दूध फाड़ा हुआ था, थोड़ा सा रखा था हमारा शाम का। और चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, तो हमने वो आप सभी के साथ शेयर नहीं किया है। तो इधर हमारी आरोही की आज बहुत जगह दावत थी, तो कहीं से तो ये खीर लाई थी, तो कहीं से जलेबियाँ लाई थी। तो इधर पहले हम लोगों ने खीर, जलेबी और पूड़ी मिली थी, वो सबने खा पी ली थी, तो इसी टाइम भी हो गया था। उसके बाद में हमने खाना बनाना शुरू किया था। तो इधर हमारी सब्जी बन चुकी है और आटा रखा हुआ है रोटी सेकने के लिए। और रोटी थोड़ी सी सेकेंगे, थोड़ी सी बनाएंगे तहड़ी। तो इधर हम पहले तहड़ी बना लेते हैं, उसके बाद में हम रोटी सेक लेंगे। एक इधर हम तहड़ी चढ़ा देंगे, एक इधर रोटी सेकना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हमने पनीर बनाया था उसकी सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही बना था, तो हम ये तहड़ी में ही डाल लेंगे पनीर को। हमने तो भून लिया है थोड़ा सा, हल्का सा, और तहड़ी में ही डाल लेंगे, तो उससे स्वाद भी तहड़ी का और अच्छा बन जाएगा। और हमने आज घिया तुरैया की सब्जी बनाई है, और चावल नहीं बनाए हैं, तो चावल की जगह पर हमारी तहड़ी हो जाएगी। वैसे हम तुरैया के साथ में चावल बनाते, तो चावल नहीं इसीलिए बनाए हैं। मौसम थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा बादल आदल छाए रहते हैं, किसी किसी दिन बारिश भी होने लगती है। तो आज हमने सिर्फ तुरैया की सब्जी ही चूल्हे से बनाकर लाए थे, और बाकी का खाना हमने यहीं पर बना लिया था। तहड़ी भी यहीं पर बना ली थी और रोटी भी यहीं पर सेक ली थी, क्योंकि बाद में हम वहाँ पर नहीं गए, चूल्हा भी बुत गया था, तो बाद में गए तो हमने फिर जलाया नहीं दोबारा से, तो यहीं सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। तो इधर हमारी तहड़ी तैयार हो गई है, और रोटी खाने वाले रोटी खाएंगे, तो हम लोग खाएंगे तहड़ी। तो हमने दो थालियाँ लगा ली हैं, तो चलते हैं तहड़ी खाते हैं, और उसके बाद में फिर हम आ गए हैं। ये हमारा वीडियो है 3 बजे का, लमसम 3 बजे के टाइम हम लोग आए थे बगिया को, हम और आरोही आई थी। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं पत्ता काटने के लिए, तो आज बनाएंगे पत्ता। आज करने वाली हैं सारा काम आरोही, क्योंकि आरोही ही पत्ता काटेंगी, आरोही ही चक्कू और डलिया लेकर आई हैं, और सारे पत्ते आरोही देखो कितने अच्छे से काट रही हैं, और सारे पत्ते आरोही ने काट लिए थे, छोटे बड़े पत्ते कोई भी छोड़े नहीं थे, सारे पत्ते काट लिए थे। और हम बता भी रहे थे कि इधर से काटो उधर से, और इनका जो दुपट्टा पड़ा हुआ है, ये दुपट्टा भी बिल्कुल उतर नहीं रहा है, क्योंकि दुपट्टा डालने का इसको बहुत ही शौक है, और बहुत चपका कर डालती है दुपट्टा, कहीं से भी मिल जाए उसको लपेट जरूर लेगी, कहीं तो साड़ी पहनेगी, कहीं तो ऐसे करके डाल लेगी। तो आरोही ने सारे पत्ते काट लिए हैं घुइया के, और इससे हम पत्ते कई बार काट भी चुके हैं, इसमें बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, जब 8-10 दिन बाद पत्ते तैयार हो जाते हैं खाने भर के लिए। तो आरोही लेकर चल रही है घर को और बहुत ही खुश है। तो आज हम दो चीज़ें बनाएंगे, पत्ते भी बनाएंगे और उसके साथ में बड़ा भी बनाएंगे, तो इसीलिए जल्दी से खाना बनाना हमने शुरू कर दिया था। और साथ में बनवाएंगी आज बुआ, क्योंकि अकेले नहीं बनाएंगे, बुआ भी साथ में बनवाएंगी, अकेले तो हम बना नहीं पाएंगे, उसमें दो लोग ज़रूर ही लगते हैं, क्योंकि एक लोग बनाते रहते हैं बड़ा और एक लोग निकालते रहते हैं। तो बुआ भी आ रही हैं बनाने के लिए दाल आल को लेकर, तो इधर तब तक हम चूल्हा जला देते हैं। और दाल आल को हमने पहले से ही धुल कर रख लिया था, सिर्फ बटनी बाकी थी, तो वो भी बट भी ली है। तो बुआ उसमें नमक वमक मिर्चा मिलाकर सारी चीज़ें हींग इनको जो भी उसमें मिलाया जाता है वही मिला रही थी, और अभी लेकर आ रही हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो बुआ आ गई हैं दाल को लेकर, तो बुआ बनाएंगी और हम निकालेंगे, क्योंकि बुआ अच्छे से बना लेती हैं, तो बुआ बनाकर कढ़ाई में डालती रहेंगी और हम निकालते रहेंगे। और बड़ा बनाने में है ना कि बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि सुबह से ही हमारी दाल भीग रही थी, और उसके बाद में इसको धुला, इसके छिलके निकाले 2-3 बार में धुला, तब जाके ये बिल्कुल इसके सारे छिलके निकल पाए।
और फिर उसको पीसा, सारा इंतजाम किया। तो सुबह से इंतजाम कर रहे हैं, तब जाके अब हमारे बड़ा बनना स्टार्ट हुए हैं। तो बहुत सारा टाइम लग जाता है ये चीज़ें बनाने में। तो हम करायल भी बनाना चाहते थे थोड़ा सा, कि करायल भी बनाएंगे, पर हमको करायल पसंद नहीं है, इसीलिए फिर हमने कहा कि पत्ता बना लेते हैं, करायल छोड़ो और सिर्फ बड़ा ही बनाओ, क्योंकि टाइम भी बहुत लग जाता है। उसके बाद में करायल बनाएंगे, फिर पत्ते बनाएंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो सिर्फ हम बड़े बनाएंगे और उसके बाद में बनाएंगे पत्ते और रोटी सेक लेंगे, तो हमारा जल्दी से खाना बन जाएगा, क्योंकि चूल्हे पर बना रहे हैं, तो चूल्हे पर जल्दी ही जितना बन जाए उतना ही अच्छा है। तो आज भी हमारे पास मोटी लकड़ी नहीं थी, उस दिन आप सभी को हमने बताया भी था कि इस टाइम मोटी लकड़ी हमको नहीं मिल पा रही है, और बगिया में पड़ी भी हैं तो वो भीग गई हैं, जो भी बाहर पड़ी थी हमारी लकड़ियाँ वो भीग गई हैं, इसी वजह से वो बरती नहीं है। तो थोड़ा सा धूप निकले तो उनको सुखा लें, उसके बाद में वो अच्छे से चूल्हे में जलेंगी। तो धूप तो अभी निकली नहीं है, जब धूप निकले तो वो सूखें, तब जलाने के लिए वो हो जाएं लकड़ियाँ मोटी मोटी, जो भी हमारी पड़ी हुई हैं बगिया में। हमारे यहाँ नवरात्र ख़त्म हो जाते हैं, कन्या भोग भी हो जाते हैं, उसके बाद में 2-3 दिन तक बाद तक हमारे यहाँ दावत चलती रहती है लड़कियों की, क्योंकि एक दिन में लड़कियाँ मिलती नहीं हैं। तो उसके बाद में 3-4 दिन तक बराबर से लोग आगे पीछे खिलाते रहते हैं कन्या। अभी तक हमारी आरोई की दावत चल ही रही है, अभी 1-2 दिन और भी चलेगी, क्योंकि आगे पीछे सारे लोग खिलाते हैं, तो किसी दिन कोई खिलाता है तो किसी दिन कोई भी खिलाता है। और हमने भी अभी तक कन्याएं नहीं खिलाई हैं, क्योंकि व्रत हमने भी रखा था, तो हम भी बाद में ही खिलाएंगे, और जिस दिन भी खिलाएंगे तो आप सभी को वीडियो आ जाएगा, आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। तो आज बुआ बड़े पैसे वाले बना रही थी कि बीच में थोड़ा सा छेद कर दो और गोल गोल बाकी के, तो ये वाले बड़े हमारे यहाँ पहली बार ही ऐसे वाले बने हैं। वैसे तो हम लोग सिर्फ गोल गोल ही बनाते थे, पकौड़ी के टाइम में भी बना लेते थे, और वैसे भौरिया के टाइम में थोड़ा सा चपटा बना लेते थे। और आज हमारी दीदी ने बताया था कि इस तरीके से बड़े ऐसे वाले बनाओ तो अच्छे से मट्ठे में भीग भी जाते हैं, तो बुआ ने सारे बड़े वैसे ही बनाए थे बीच में छेद करके। तो अब हम इनको मट्ठे में भिगा देते हैं, क्योंकि गर्म गर्म भिगा देंगे तो जल्दी से भीग भी जाएंगे, और अभी थोड़े से हमारे बन भी रहे हैं, तो ये जितने भी बन गए हैं उतने हम भिगा देते हैं, और मट्ठा में बाद में हम तड़का लगाएंगे। पहले हम इनको थोड़ा, जो हमारे बन गए थे उनको भिगा देते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया था, तो अच्छे से भीगेंगे नहीं तो शाम को कैसे सारे लोग खाएँगे, तो तब तक शाम तक भीग जाएंगे जब तक सारे लोग खाएँगे। तो इधर हमारे ये थोड़े से बनने बाकी हैं, तो यही बाकी रह गए हैं और सारे हमारे बन गए हैं। तो अब हमारे सारे बड़े बन गए हैं, सारे हमने भिगो दिए थे, तो अब हम थोड़ा सा छौंक देते हैं जीरे से, और मिर्च हमने नहीं डाली है, क्योंकि मिर्च सारे लोग नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा ही मिर्च हमने दाल में मिला लिया था बुआ ने, और सरसों का तेल लिया है और थोड़ा सा हमने जीरा डाला है, तो उसी से हम छौंक देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे थे चमचे को उठाकर, कि चमचे के नीचे जो साइड होती है, नीचे की साइड में उसमें राख लग गई थी, क्योंकि हमने आग पर रखा था पकने के लिए, तो थोड़ा सा हमारा तेल भी निकल गया था, तो राख उसमें चपक गई थी, तो वही साफ करने के लिए हम कपड़ा फिर लेने गए घर को, तो कपड़ा लेकर आए, उसके बाद में हमने अच्छे से उसको पोंछ लिया, तब जाके हमने छौंका इसमें। तो हमारे बड़े तो तैयार हो गए हैं, सिर्फ अब भीगने हैं। थोड़ा सा हमने नमक भी मिला लिया था इसमें मट्ठे में, तो नमक फीका नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ दाल में ही हमने थोड़ा सा नमक मिर्चा मिलाया था। तो इधर हम आ गए हैं पत्ते लपेटने के लिए, तो सारा मसाला साला हमने तैयार करके रख लिया था पहले से ही, और तुरंत बड़ा बनाकर आए, तुरंत से ही हम पत्ते लपेटने लगे, क्योंकि चूल्हा भी अभी हमारा जल रहा है, तो जल्दी से लपेट लेंगे और जल्दी से रख देंगे जो उबल जाएंगे, और बाद में फिर रोटी सेकेंगे। और पत्ते बहुत सबको, सारे पर लोगों को पसंद हैं, तो दूसरे तीसरे दिन जब भी पत्ते तैयार हो जाते हैं तो पत्ते ज़रूर कहने लगते हैं कि पत्ते बनाओ, और हमको भी पसंद हैं पत्ते, तभी तो हम बना भी लेते हैं जल्दी जल्दी। वैसे अगर पसंद ना हो तो इतनी जल्दी ना बनाएं, चाहे भले ही वो खड़े खड़े ख़राब ही हो जाएँ, तो इसलिए जल्दी से बना भी लेते हैं। तो थोड़ा सा ही वीडियो आप सभी को मैंने दिखाया है पत्ता लपेटने का, वैसे तो बहुत ही टाइम लग गया था, 11-12 मिनट लग गए थे, तो वैसे तो पूरा वीडियो पत्ता लपेटने में ही निकल जाता।
तो जब भी हम पत्ते बनाते हैं तो इसी तरीके से ही बनाते हैं, तो थोड़ा सा ही हमने इसीलिए दिखा दिया है, वैसे हम पूरा वीडियो आप सभी को दिखा देते। तो सारे पत्ते हमने लपेट लिए हैं, पौने बन गए हैं, और हमने उसके बाद में इनको उबाल लिया था, फिर उबाल कर हमने इनको छौंक लिया था, थोड़ा सा हमने हल्दी मिर्चा भी बचा लिया था उसी से हमने इनको छौंक लिया था लहसुन से। आज हमारे पैर की उंगलियों में बहुत ही खचुली पड़ रही थी, क्योंकि उंगली जो हमारी बीच वाली हैं ये दोनों उंगलियां सड़ गई हैं, तो इसीलिए हम बिछिया को निकाल लेते, तो दोनों बिछिया हमने निकाल दिए थे। तो एक एक ही बिछिया हम पहने रहेंगे तब तक ये ठीक हो जाएंगी, उसके बाद में हम पहन लेंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।